Hey guys, good morning. Welcome to new video of Airsoft Gun India. Hey guys, good morning. Welcome to new video of Airsoft Gun India. Subscribe to the channel and hit the bell icon. Channel ko subscribe kar lijiye, bell icon ko hit kar diye. Today we're going to talk about Beretta M9A3 and Glock Generation 4. Dono hi kamal ki gun hai. Bahut se log pooch rahe the, sir, in dono mein difference kya hai? In dono ka comparison video kariye. Ab dekhiye, ye in dono ka bilkul comparison hai hi nahi. Ye matlab aap samajh lo, ye Lamborghini hai to ye Ferrari hai. Ya ye Ferrari hai ya Lamborghini hai, dono apne aap mein jo hai kamal ki hai. To isme compare kya kare, but fir bhi main aapko batane wala hu in dono mein kya kya samanta hai, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहली बात तो दोनों जो है सेम कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उमरेक्स इन गन्स को मैन्युफैक्चर करती है। ये जो है बरेटा से लाइसेंस्ड है। बरेटा से लाइसेंस का मतलब क्या होता है, इसको बनाने के लिए बरेटा कंपनी ने उमरेक्स को लाइसेंस दिया है कि आप इसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो बरेटा ट्रेडमार्क लाइसेंस बाय बरेटा इटली। तो बरेटा जो कंपनी है इटली की, उसने उमरेक्स को लाइसेंस दिया है इस गन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। बरेटा असली इटली बनाती है, उसको दिया गया है मैन्युफैक्चर करने का परमिशन, तो ये बनाती है। दूसरा है ये ग्लॉक ऑस्ट्रिया। आपको पता है ग्लॉक का हमारे पास तीन वेरिएंट है, जनरेशन 3, जनरेशन 4, जनरेशन 5, और सबसे हॉट सेलिंग जो है जनरेशन 4 है, जो हमारे पास अभी लिमिटेड स्टॉक में है, आप इसे खरीद सकते हैं। बहुत टाइम से आउट ऑफ स्टॉक था, ये ग्लॉक की कॉपी है। दोनों ऐसे बॉक्सेस में आते हैं, तो आप सबको मैंने पहले भी बता रखा है, जब भी आप ऐसे गन्स खरीदें, एक गन बॉक्स खरीद लें, हमारे वेबसाइट पे आपको गन बॉक्स मिल जाएगा। के अंदर सिमिलैरिटी क्या है, दोनों गन जो है वो ब्लो बैक है, मतलब जब आप उसको फायर करते हैं तो ऊपर का स्लाइड जो है पीछे आता है। दोनों गन में रियलिस्टिक ब्लो बैक है, जो कि कमाल की है। मुझे ब्लो बैक पसंद है, दोनों जो है रियलिस्टिक ब्लोबैक की है। दोनों के अंदर फुल स्लाइड मैगजीन है, इसकी मैगजीन आप देख सकते हो फुल मैगजीन बाहर आती है। इसके अंदर भी आप देख सकते हो इसकी मैगजीन जो है फुल बाहर आती है, जो कि कमाल की है। दूसरा ये जो है बरेटा M9A3, ये फुल टू जो है मेटल की है, पूरा बॉडी इसका मेटल का है एक्सेप्ट फॉर दिस। अब ग्रिपिंग जो है बहुत सारे गन्स में पॉलीमर की होती है, रबराइज की होती है, तो इसकी जो है ग्रिप सिर्फ पॉलीमर की है, बाकी सारा मेटल का है। काफी अच्छी गन है, काफी हैवी गन है। वेयर एज ग्लॉक जो है आपको पता है पूरी प्लास्टिक की होती है एक्सेप्ट फॉर द स्लाइड। असली ग्लॉक अगर आपने चलाया होगा, मुझे सौभाग्य मिला है असली ग्लॉक चलाने का, तो उसका जो स्लाइड है वो मेटल का होता है, बाकी पूरी पॉलीमर की होती है। ये भी एग्जैक्ट रेप्लिका है ग्लॉक की, तो आप देख सकते हो ऊपर का मेटल का स्लाइड है, बाकी जो है पॉलीकार्बोनेट का है। अब इसकी पावर को थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे, वैसे इसको कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा, बट फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं इसको थोड़ा सा आपको कंपेयर करके बता देता हूं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है इसके अंदर। यहां पे बरेटा 9A3 18 राउंड की है, इसकी मैगजीन में 18 राउंड डलते हैं, इसके अंदर भी आप देख सकते हो 18 राउंड। तो दोनों की जो मैगजीन कैपेसिटी है सेम है। अभी हमारे पास इनके मैगजीन स्पेयर में नहीं है और ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आप चाहे तो हमारी टीम से बात करके एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 महीने में जब भी आएगी आप इसे परचेस कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास मैगजीन जो है स्टॉक में नहीं है और जनरली होता नहीं है। तो जब भी आप इस गन को खरीदें, मैगजीन को संभाल के इस्तेमाल करें। दूसरा CO2, जब भी आप CO2 खरीदें, 2-3 CO2 के बाद एक बूंद पेलगन ऑयल का इस्तेमाल करें और ओवर ऑयल का इस्तेमाल मत करें, इससे क्या है कि ल्यूब्रिकेशन बनी रहेगी। दूसरा आप बात करते हैं इसके अंदर स्टील, दोनों के अंदर जो है स्टील बीबी जलते हैं। ये रहा स्टील बीबी 0.177 के लिए, आपको पता है 0.177 के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत से लोग बात करते हैं कि आप फ्रंट से दिखाई करें बैरल, तो मैं आपको फ्रंट से दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं इसका बैरल जो है थोड़ा सा इसके आगे ये लगाया गया है, जो कि साइलेंसर की फील देता है, जो कि काफी यूनिक लगता है, ऐसा बहुत कम गन्स में होता है। और इसका तो अंदर आप देख सकते हो बाहर बड़ा है छेद और नीचे साइड। दूसरा इन दोनों के आगे आप देख सकते हो लेजर लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है, हमारे वेबसाइट पे आपको लेजर मिल जाएगा, लेजर आप लगा करके फायरिंग कर सकते हैं। इससे निशाना विशाना कोई एक्यूरेट नहीं लगता। आप अगर ये सोच रहे हो कि लेजर लगा करके आपका निशाना एक्यूरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ फिल्मों में होता है, या फिर आपको बड़े अच्छे से जीरोइंग करनी पड़ती है, बट दिखने में आपका गन काफी कूल लगती है, तो आप लेजर लगा करके टेस्ट कर सकते हो। प्राइस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हो। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप हमसे EMI पे खरीद सकते हो, EMI का ऑप्शन है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप इससे EMI में खरीद सकते हो, या फिर हमारी टीम से नावी के बारे में बात कर सकते हो, तो वो सब ऑप्शन आपको बता दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड पे आप खरीद करके उसको EMI में कन्वर्ट करवा लीजिए। ऑल ओवर इंडिया डिलीवर होता है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको ID प्रूफ देना होता है। तो जाइए एंड ऑर्डर करिए, बी डिलीवर ऑल ओवर द कंट्री, आप सबके प्यार के लिए, आप सबके लव के लिए, आप सबका कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभारी हूं। थैंक यू सो मच। 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा करने में आप हमारी मदद करिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस हैव फन।